नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे ग्रीन वाइन स्नेक, मुबारक जी ने इसको रेस्क्यू किया था। ये देख सकते हैं आप कितनी काटने की मुद्रा में है और ये अटैक कर रहा है खाली मुंह पर। देखिए, ये ग्रीन वाइन स्नेक सेमी वेनमस, आधा जहरीला है ना दोस्तों। ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर पाए जाते हैं और हरियाली में, पेड़ पौधों पर ही ज़्यादा पाए जाते हैं और इनको रेस्क्यू करने का मौका बहुत ही कम मिलता है क्योंकि ये बस्तियों में नहीं आते और कभी कभार भूल चूक से ये पेड़ पौधों से, यहाँ इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर, तो ये अपने घरों के आसपास भी दिखाई देते हैं। ऐसा ही मुबारक भाई ने रेस्क्यू किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर पर्यावरण में इस सांप को हम रिलीज करने के लिए आए हैं। इसके बारे में जानकारी पूछूंगा, इनसे ही पूछूंगा। अभी मैं तो काफ़ी सारी जानकारी बता चुका हूँ वीडियो में, अभी मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इसका पूरा नाम और इसका वेनम के बारे में बताइए और इसकी जगह के बारे में बताइए। साथियों, सबसे पहले आभार, अभिनंदन और जोहार। साथियों, ये जो सांप है इसे हम लोग झारखंड में हरा लता सांप, अच्छा अच्छा, उसके बाद इंग्लिश में ग्रीन ट्री स्नेक जी, ग्रीन वाइन स्नेक जी, और बंगला में साथियों इसे हम लाउडोगा के नाम से भी जानते हैं जी। ये सेमी वेनमस होता है और मुंह के ऊपर जबड़े का भीतर की ओर दो ठो विष दंत है। मुंह का ऊपर जबड़े की ओर दो ठो विष दंत है, लेकिन ये जब इंसान को बाइट करता है तो इंसान के शरीर में जहर का असर नहीं होता है। बट नॉट अ डेंजरस वुमेन। अच्छा अच्छा, अगर बच्चे को काट लेगा तो? हाँ हाँ, बच्चे का काट लेगा तो कम से कम सरकारी अस्पताल जाना बहुत ही जरूरी है जी। कोई भी सांप काट ले किसी को भी, तो हॉस्पिटल, मेडिसिन, डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी पहचान के बारे में बताइए। इसकी पहचान क्या है, देख रहे ना, ये थोड़ा उग्र रूप ले चुका है, बीच बीच में ये मुंह को खोल रहा है ना, और हरा, ये लता सांप, ये बच्चों को जन्म देता है, ये सांप अंडा नहीं देता है और खाने में ये छिपकिल्ली खा लेगा, लिजर्ड खा लेगा। अच्छा अच्छा, मुझे मतलब जो जो पेड़ पौधों पर कीड़ा मकोड़ा मिलता है जी जी जी, जो ज्यादातर फॉरेस्ट का छोटे छोटे छिपकिल्ली खा लेगा। हाँ, वो छिपकिल्ली नहीं मिलने से कभी कभी ये घरों में भी आना प्रवेश कर गया जी, जी, इसलिए साथियों सांप घर में ना आए, इसके लिए आप महीने में 5-10 गाछ लगाइए, पेड़ लगाइए। धीरे धीरे जिस तरह गाछ की कटाई चल रही है, लोग बिल्डिंग बना रहे हैं लेकिन गाछ नहीं लगा रहे, इसलिए गाछ वृक्ष जरूर लगाया करें जी। दोस्तों, इसकी पहचान बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देख रही है अपना मुंह, अगर इसके सामने कोई जाता है तो ये खुद को डरावना साबित करने के लिए अपना जो शरीर है ऐस की तरह करता है, पीछे मुड़ा देता है और मुंह अपना इस तरह सा खोल लेता है ताकि सामने वाला डर जाए, उसके सामने न जाए, क्योंकि इसके पास जहर नहीं है। इसके पास जहर है लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होता है और इसको काटने के लिए ज़्यादा मतलब ये काटता नहीं ज़्यादा, ये बस ऐसा खुला कर रखेगा, काटेगा नहीं जल्दी, बहुत ही नजदीक जाएगा तभी काटेगा, क्योंकि इसका फेंक्स जो है, दांत जो है पीछे की ओर होता जी, है मतलब जी, जो उसके जो आंखें देख रहे हैं आप उसके नीचे होता है जी, है ना, जबड़े के भीतर की ओर। बाकी सांप जो है जहरीले, उनका दांत जो है आगे होता है, उसको काटने के लिए जल्दी पॉसिबल हो जाता है, लेकिन इस सांप को काटने के लिए थोड़ा कष्ट होता है जी, इसलिए जल्दी काटता नहीं है, खाली मुंह खुला के रहता है कि सामने वाला उसके करीब ना आए, जब उसके और करीब हम जाएंगे तो जरूर डंग कर देगा। और इसके काटने से, चाहे हम सोचते कि बिना जहर वाला है, कम जहरीला है, फिर भी हमने डॉक्टरी सलाह जी, मेडिसिन लेना है। कभी कभार क्या हो जाता है, अगर आपको ये काट लेगा, काटता तो नहीं, कब काटे गए, जब आप पहाड़ी इलाकों में कहीं घूम रहे हो, कहीं सांप बैठा होगा तो कान से अलग बलग बगल कहीं कंधे के ऊपर ये बाइट कर सकता है डर के कारण। तो ऐसे स्थिति में आपने क्या करना है, डरना नहीं है, क्योंकि ये पहले तो सेमी वेनमस, इसमें कम जहरीला होता है, और आपने सीधे सीधे अपने नजदीकी अस्पताल में जाना है, मेडिसिन लेना है, मेडिसिन का सहारा लेना है। इसमें काटने से थोड़ा नीम का आभास होता है, हल्का एकदम, बहुत माने कम ना के बराबर, वाइन स्नेक नाम जी जी, जिस तरह वाइन के मुझे लगता है नशा होता है उसी तरह शायद, इसलिए इसका नाम वाइन स्नेक दिया, मुझे लगता है जी जी। अभी वैज्ञानिक इसके जो वैज्ञान है, इसकी जो खोज किया उसने वाइन स्नेक नाम क्यों दिया ये तो पता नहीं, लेकिन इसका काटने से हल्का सा, आप बोल रहे ना, नशा होता है, नींद महसूस होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, अभी बिना देरी किए इस सांप को हम यहाँ रिलीज करेंगे, है ना, चलिए आपकी हाथी से काट लेंगे। हम चाहते हैं इधर इधर थोड़ा सा, ये जगह में छोड़ दो, जाइए आप, जाने दीजिए जाने। तो साथियों, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते,
ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। इन्हीं साफ शब्दों के साथ जय भीम, जय शिवराय। शिवराय गर्व से कहेंगे हम वंदे मातरम, भारत माता की जय।